आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पीएम ने दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातें अब सुनी जाती हैं। आगरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातें सुनी जाती हैं। दुनिया भारत को गंभीरता से ले रही है और उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड स्टेट के तौर पर स्थापित करने का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी क्रम में आगरा में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं पहले भी विदेशों में जाता रहा हूं, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अथवा दुनिया के मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। भारत कमजोर देश है, सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी सारी दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हुआ है कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी।